Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying fundamentals of a partnership and the concept is interest on loan to the firm by partner and loan by firm to the partner. Partner ने firm को loan दिया और firm ने partner को loan दिया. ये दोनों concept. Question में Akhil and Bimal are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Akhil gave a loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st January of the current year. On the same date, the firm gave a loan to Bimal of rupees 1 lakh. They do not have an agreement as to interest. तो अखिल ने फार्म को लोन दिया और फार्म ने बिमल को लोन दिया. तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हो गया और इनके बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है. अखिल हैड आल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू द फार्म एज गोडाउन ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 5000. अखिल ने अपने घर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फार्म को रेंट पे 5000 महीना रेंट पे दिया था और फार्म ने 1,03,000 कमाया बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March ऑफ द करेंट ईयर. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर हम रफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चलेगा, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे तो दैट विल बी मच बेटर. तो मैं आपको पहले तो वर्किंग नोट में आपको समझाता हूँ हाउ इट विल बी वर्किंग. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट आर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट. दीज आर चार्जेस, ये पक्का देना ही देना है, अप्रोप्रिएशन नहीं है, बट नॉट अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. सो वी हैव टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट सेपरेटली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इंटरेस्ट ऑन लोन सेपरेटली हम रिकॉर्ड करेंगे. तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो करेंट ईयर के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है और क्वेश्चन में दे रखा है 1,03,000 प्रॉफिट बिफोर एनी चार्ज. तो दिस इज बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या यू कैन राइट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,03,000. और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अखिल, उस जो लोन अखिल ने दिया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा. दिस इज ए चार्ज. तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन अखिल का 1 लाख का 6%, क्योंकि जब बताए नहीं तो 6% इंटरेस्ट फार्म पार्टनर को देता है और लोन दिया है जनवरी 1 को करेंट ईयर का, जनवरी फरवरी मार्च 3/12 1500 हो गया. और इंटरेस्ट ऑन लोन जो इन्होंने बिमल को लोन दिया है 1 लाख, इन्होंने बिमल को 1 लाख लोन दिया है, अगर फार्म ने पार्टनर को लोन दिया है उससे इंटरेस्ट फार्म को लेना चाहिए बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू बिमल, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट. बट यहाँ पे बताया नहीं कि कितना इंटरेस्ट परसेंटेज है, तो इसीलिए फार्म जब कोई पार्टनर को लोन देगा उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा. तो इसीलिए आप क्या करोगे ना, बिमल से हम इंटरेस्ट लेंगे नहीं, आज द पीपल फ्रॉम द फार्म, हम फार्म के लोग हैं तो हम लेंगे नहीं इंटरेस्ट. और जो रेंट है रेंट अखिल को मिलेगा, टू रेंट अखिल को मिलेगा 5000 रुपये महीना 12 महीने के लिए 60,000. तो प्रॉफिट कितना बचेगा, तो 1,03,000 टोटल करो यहाँ पे, इसी टोटल को यहाँ उतारो और यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. द जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो फेयर नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और जर्नल को पोस्ट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 41,500. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 41,500. अगर आप ये अकाउंट बनाना नहीं चाहते हो तो आप सीधा इनसाइड पर्टिकुलर्स में 1,03,000 लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपये यहीं से माइनस कर दो डायरेक्ट और आपके जो साल जो रेंट है रेंट को भी यहीं से माइनस कर दो, तो आपके डायरेक्ट आ जाएगा 41,500. आपको ये अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है.
यू कैन मैनेज टू डू दिस अकाउंट ओनली द फेयर नोट, फेयर नोट में अकाउंट बनाया उसको बांट दिया तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही आपके पूरा वर्किंग हो गया। इसको नहीं बनाना, अगर बना लोगे तो बहुत अच्छा है। तो दिस इज 41,500, इसको यहाँ लिखो, इसको इधर टोटल करो, टोटल करके यही आपके प्रॉफिट है 41,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर अखिल बिमल, 3/5 अखिल को मिलेगा, 3/5 41,500 का, 2/5 बिमल को मिलेगा। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।